भागलपुर होकर चलने वाली दो ट्रेनें हुई कैंसिल, लखीसराय के यात्रियों को होगी परेशानी। मुरारई चन्ना के बीच तीसरी लाइन का काम शुरू होने के कारण 9 दिसंबर से 22 दिसंबर तक रामपुर हाट साहेबगंज के बीच ब्लॉक रहेगा। इसके कारण भागलपुर जमालपुर के रास्ते चलने वाली कई ट्रेनों पर इसका असर पड़ेगा। लखीसराय क्यूल स्टेशन से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। CPRO कौशिक मित्रा ने बताया है कि मुरारई चन्ना के बीच तीसरी लाइन का काम होना है, जिसके कारण कमीशनिंग को लेकर मेगा ब्लॉक दिया जाना है, जो कि 9 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा। इस मेगा ब्लॉकिंग के दौरान कई रूट की अप और डाउन की कई गाड़ियों को या तो रद्द कर दिया गया या रूट डिवाइड कर दिया गया है। इन 14 दिनों में 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। इसमें जमालपुर भागलपुर की दो जोड़ी ट्रेनें हैं, साथ ही कुल 42 ट्रेनें परिचालन रूट में बदलाव किया गया। 13 ट्रेनें बीच रास्ते से लौटेंगी। ट्रेनों के रद्द रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जमालपुर भागलपुर रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेन संख्या 13023 हावड़ा गया 9 से 21 दिसंबर तक, ट्रेन संख्या 13024 गया हावड़ा 10 से 22 दिसंबर तक नहीं चलेगी। इस तरह ट्रेन संख्या 13031 हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस 9 से 21 दिसंबर तक रद्द रहेगी। इसी तरीके से ट्रेन संख्या 13032 जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस 10 से 22 दिसंबर तक रद्द रहेगी। रामपुर हाट साहेबगंज के बीच ब्लॉक रहने की वजह से ट्रेन संख्या 05407, आपको बता दें 8 जमालपुर रामपुर हाट जमालपुर पैसेंजर को 22 दिसंबर तक बीच रास्ते से लौटाया जाएगा। रामपुर हाट की जगह यह ट्रेन साहेबगंज स्टेशन तक जाएगी और यहां से वापस हो जाएगी। बता दें आपको, भागलपुर होकर चलने वाली दो ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। लखीसराय के यात्रियों को खासा परेशानी होगी। 14 दिनों के लिए 10 गाड़ियां कैंसिल होंगी। मुरारई चन्ना के बीच तीसरी लाइन का काम शुरू होने के कारण 9 दिसंबर से 22 दिसंबर तक रामपुर हाट साहेबगंज के बीच ब्लॉक रहेगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।